जहाँ पे चौकी पे वहाँ पे पथराव हो रहा था तब पापा के हेड पे इंजरी हुई थी, इस वजह से कोई चोट वोट लगी थी, सो ही वॉज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम. फिर उसके बाद पापा को वहाँ पे जब वापस ले जाए जा रहे थे जो कॉन्स्टेबल थे, फिर से वहाँ पे जो पुलिस जीप थी उसके अंदर फिर से वहाँ पे गए, तो उधर वहाँ पे फिर से उन पे पथराव और गोलाबारी वगैरह हो रही थी. तो फिर उसके बाद जो कॉन्स्टेबल थे वो दोनों चले गए, एंड फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पापा को फिर वहाँ पे अनकॉन्शियस होते के साथ ही उन्हें लेफ्ट आई में ऊपर गोली मारी गई. एक अच्छा नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो कभी किसी रिलीजन के नाम पे कभी कोई उत्पाद ना मचाए, हिंदू धर्म हो मुसलमान धर्म हो से किसाई कोई भी हो, सब एक हैं यहाँ. यहाँ मुझे बस ये सवाल पूछना है कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी. एक हेडसअप दे दीजिए यार, कम से कम तो दुख होगा. इंस्पेक्टर की शहादत के संबंध में FIR दर्ज किया गया था, उसमें से दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अलावे जो हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं उनके लिए शासन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 50 लाख की अनुग्रह राशि उनके फैमिली को दी जाएगी. इसके अतिरिक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन, असाधारण पेंशन की उनकी पत्नी को असाधारण पेंशन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त जो नियमानुसार एक कोई भी मृतक आश्रित है उसको एक जॉब दिया जाएगा, और इसके अलावा एक SIT की गठन किया गया है IG मेरठ रेंज के नेतृत्व में. वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि ये घटना आखिर हुई क्यों और गोकशी के बाद से भीड़ इतनी हिंसक क्यों हो गई. फ्रेंड को छोड़ने आया था तो उसके सीने पे गोली लगी है, वो बाइक से आ रहा था. कितने गोली मारी है? और पुलिस वालों ने गोली मारी है उसे. दंगा महाव के गांव वालों ने करा था, वहाँ गोली नहीं चला के इधर जो खाली जगह थी उसकी तरफ गोली चलाई है, जिसमें इस लड़के को गोली लगी है. किन लोगों ने गोली चलाई है? पुलिस वालों ने गोली चलाई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह तय करेगी कि वो गोली किस बोर की है, क्या पुलिस की बोर से हुई है या ग्रामीणों के आपस क्रॉस फायर में.